खबर रायपुर से। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव के लिए यह समिति बनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने इसमें नियुक्ति की है। शिवरतन शर्मा संयोजक बनाए गए हैं। भूपेंद्र सवन्नी, सौरभ सिंह, सरला कोसरिया सह संयोजक बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये प्रबंध समिति बनाई गई है और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, उन्होंने ये नियुक्तियां की हैं। शिवरतन शर्मा संयोजक, भूपेंद्र सवन्नी, सौरभ सिंह, सरला कोसरिया सह संयोजक। जगदलपुर में बिजली विभाग और नगर निगम आमने सामने हैं। बिजली विभाग ने नगर निगम जगदलपुर को 10 करोड़ 28 लाख का बिजली बिल बकाया का नोटिस भेजा है और मार्च में भुगतान करने की चेतावनी भी दी गई है। शहर और निगम इलाके के स्ट्रीट लाइट्स को बिजली विभाग बंद कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि निगम का भी बिजली विभाग पर लाखों का बकाया है। संपत्ति कर और दूसरे टैक्स का भुगतान बिजली विभाग ने नहीं किया है। निगम ने भी बिजली विभाग को नोटिस भेजा है। दोनों विभागों ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। काम करते रहिए। कब तक का बकाया है? जगदलपुर शहर क्षेत्र के अंदर नगर निगम में अभी वर्तमान में लगभग 10 करोड़ 28 लाख रुपए का बकाया है, जिसमें सड़क बत्ती, नल जल योजना एवं उनके अधीन शासकीय कार्यालय जो भी उपयोग में आते हैं सभी के हैं। उनमें 10 करोड़ 28 लाख रुपए का इसको वसूली हेतु उनको नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द उक्त राशि का भुगतान कराया जाए। मार्च को ध्यान में रखते हुए अगर इनका द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो लाइन विच्छेद करने की वो अल्टीमेटली जो है हम हर महीना इसको हम भेजते जा रहे हैं और फिर उसके आधार पर उनको पेमेंट शासन से होने के कारण से हम लोग निगम की ओर से पेमेंट नहीं करते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि CSAB की ओर से भी कुछ लंबित है, खास करके हमारा जो वाटर टैक्स है और संपत्ति कर है वो भी CSAB की ओर से उनको हमको दिया जाना है, तो उसको भी हम समायोजन करेंगे ताकि आपसी सामंजस्य से दोनों का जो भी भुगतान जो पेमेंट किया जाना है और समस्त देयक है वो